हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन सभी का स्वागत है। हम खड़े हैं भिवंडी इंद्र हॉस्पिटल में, आईटीएम हॉस्पिटल में। आपको बता चुके यहाँ पे एक हादसा हुआ है, एक वृद्धि हो गई महिला की जिसका नाम रेशमा था। रेशमा की उम्र जो है उनके कॉलेज नहीं बता पा रहे कितनी थी, लेकिन बताया जा रहा है कि 24 से 30 साल के बीच में रेशमा की उम्र थी और 30 से कम थी शायद। और जो रेशमा है सुबह में काम के लिए निकली थी, वो रेशमा ड्रिल कंपनी में जॉब करती थी। ड्रिल कंपनी में कमाने में फैक्ट्री है तो वहाँ पे वो काम करती थी और बताया जा रहा है कि वहाँ पे उसकी डेथ हुई। अब यहाँ पे आए तो बताया जा रहा है कि वो अच्छे पे थी और उसके लोग डेथ क्या सोचे क्या झूठे, ये तो जब मालूम पड़ेगा उससे बात करेंगे तो उसका मालूम पड़ेगा। लेकिन फिलहाल मामला जो है थोड़ा सा संगीन है। फिलहाल बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए आईजी हॉस्पिटल लाया गया, यहाँ पे जांच किया है और रेशमा के घर वाले भी है, लेकिन कोई फिलहाल बात करना नहीं चाह रहे। हम कोशिश करेंगे किसी से बात करके आपको अपडेट दे दूंगा। तो आपकी बच्ची का नाम क्या था? रेशमा। तो क्या हुआ था थोड़ा बताओ। कुछ नहीं था, खाली सर्दी बुखार था बस, कुछ भी नहीं था उसको। अच्छा, तो काम पे गई थी? हाँ, काम पे 8 बजे गई थी। 8 बजे गई थी? हाँ। और फिर आपको खबर कैसे आई कि कैसे मालूम पड़ा, क्या मालूम पड़ा? 11 बजे खबर आई कि ऐसी बात हो गई, वो दवाखाने में लेके गई उसको। हाँ। बस। तो मतलब उनका इंतकाल हो गया ये खबर आई थी कि तबियत खराब है? नहीं, तबियत खराब खबर आई थी, फिर 1 घंटे के बाद मालूम पड़ा कि ऐसी सी बात हो गई। और रोज काम पे से कितने बजे आती है? रोज भी 6 बजे आ जाती थी। 6 बजे आ जाती? हाँ। अच्छा, तो आपने उसको मना नहीं किया तबियत खराब थी तो जाने की? तो बोलती नहीं अम्मा मैं जा रही हूँ, उसको तबियत थोड़ा दवा लाई थी, थोड़ा आराम था इसलिए चली गई थी। अच्छा। ओके, हस्बैंड कहाँ है? श्योर हस्बैंड क्या मुल्क में है सर? मुल्क में है। हाँ। कितने साल हुए शादी को? बच्चा है उनको? हाँ, बच्चा 6 साल का है। हाँ, 6 साल का लड़का है उसका। अच्छा, बच्चा है एक? हाँ, लड़का है। हाँ, एक ही है। दोस्तों, अभी पता चला है कि जो लड़की थी उसकी उम्र 30 के आसपास में थी और घर से निकली थी वो रोज की तरह 8 बजे और 11 बजे खबर आई कि उसकी तबियत खराब है। तो 11 बजे उसकी तबियत खराब हुई, जिससे उसको पहले सिविजा हॉस्पिटल ले जाया गया और सिविजा हॉस्पिटल से वहाँ पे डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया, तो उसे फिर वहाँ से आईटीएम हॉस्पिटल लाया गया। बात ये है कि यहाँ पे शांति नगर पुलिस जो है वो की जांच कर रही है और हालांकि ये कंपनी है वो तालुका में आटे तालुका के अंतर्गत रखी है, लेकिन क्योंकि उसकी मौत जो है वो भिवंडी के अंदर भी मतलब शांति नगर को पुलिस स्टेशन के अंतर्गत हुई और उसका जो बाहर है वो भी शांति नगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत। और ये कंपनी जो है उससे भी यहाँ पे HR वाले आए थे तो उन्होंने हमसे बात करके इंतजार किया, लेकिन उनका ये कहना उन्होंने ये बताया कि जो भी कंपनी से जो भी एक एम्प्लॉय की पॉलिसी होती है, कंपनी की एम्प्लॉय पॉलिसी होती है, उसके अंतर्गत सारे बेनिफिट जो है वो मृतक के घर वालों को दिए जाएंगे। खुदा इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में साल 2024-25 के लिए एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ बेहतर एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटी, स्मार्ट क्लासरूम, कल्चरल एक्टिविटी और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। यहाँ क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर्स हैं जो कमजोर बच्चों का खास ख्याल रखते हैं। पिछले 15 सालों में खुदा स्कूल से काफ़ी होनहार बच्चे पास आउट होकर समाज में अपना मुकाम हासिल किया है। हाजी उमर मुसा एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा संचालित खुदा इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस, IT एंड कॉमर्स IT एट 5th निजामपुरा अपोजिट राम भवन होटल भिवंडी।